गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर. आप लोगों ने, जिसने भी मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद हम ये वाले लेक्चर से आप कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर समझना है. ठीक है, कल अपन लोगों ने स्टार्ट किया था विद कंपनी लॉ इंट्रोडक्शन. मैंने कहा था ये वैसे इंट्रोडक्शन ही है, मतलब कंपनी लॉ का, तो इट इज सुटेबल फॉर एवरी स्ट्रीम विच एवर यू आर. लेकिन स्पेसिफिकली दीज लेक्चर्स आर फॉर सीएमए इंटर. तो सीएमए इंटर में 35 मार्क्स के लिए हम लोगों को कंपनीज एक्ट आता है, और इसलिए हम लोगों ने कंपनीज एक्ट से पहले स्टार्ट किया है. कल हम लोगों ने कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था कि कंपनीज एक्ट क्या है, कहाँ से आया था, वो सारी चीजें हमने उसमें स्टार्ट करी थी. आज हम लोग आगे का देखने वाले हैं, और आगे हमें बढ़ना है तो ये वाले चैप्टर से हमको आगे जाना पड़ेगा. कल हमने जहाँ पे छोड़ा था यहीं पे ही थे हम लोग. कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस चैप्टर से. एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेंगे कि कल हम लोगों ने क्या क्या किया था, ताकि फिर आज अपन लोग आगे आराम से बढ़ पाए. चलो, मैंने बताया था कंपनीज एक्ट 35 मार्क्स के लिए सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम में आता है. बाद में अपन ने देखा था कि इससे पहले भी कई एक्ट आ चुके हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे पहला एक्ट वॉज 1956 वाला एक्ट, एंड नाउ दिस इज 2013 वाला एक्ट. ये दो एक्ट भी हम लोग देख चुके हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट. देन वी सॉ कि इसमें 470 सेक्शंस है एंड 7 शेड्यूल्स है. ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, 7 शेड्यूल्स है, वो चीज ध्यान में रखना. नेक्स्ट वी स्टार्टेड विद मीनिंग डेफिनेशन, की मीनिंग क्या होता है. तो दो वर्ड्स कम एंड पेनिस को कंबाइन करके कंपनी बनाया गया है. एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, इसको हम लोग कंपनी बोलते हैं. कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, 2 सबसेक्शन 20. ये भी हम लोगों ने कल ही देख लिया. इसके बाद उसके कुछ फीचर्स देखे थे कि कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो अलग एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसमें, परपेचुअल सक्सेशन होता है मतलब कंटिन्यूटी, बाद में सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कॉमन सील का कॉन्सेप्ट होता है, शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, सीयू भी हो सकती है और दूसरों को सीयू भी कर सकती है. कल मैंने यहाँ तक खत्म कर दिया था. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे तो बिल्कुल फील फ्री टू आस्क. आप लोग सर को मैसेज कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो, सर से नंबर लेके आप लोग बिल्कुल जो भी डाउट्स वगैरह हो मुझसे पूछ सकते हो. सारे पहले वाले वीडियो के डाउट्स क्लियर हुए बाद ही अगर आप ये वाला लेक्चर रेफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. मतलब ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका पहले के सारे डाउट्स वगैरह सब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. चलो, आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आईएमपी मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. पहले इसका मतलब समझते हैं. देखो, इसका मीनिंग है ना, एक्चुअली एसोसिएटेड है इसके साथ में. कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके साथ में एसोसिएटेड हमारा ये चलने वाला है. ठीक है, समझते हैं अभी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी या कॉर्पोरेट व्हील वगैरह क्या होती है. ये चीज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. ठीक है, अभी देखो, मैंने आप लोगों को ऐसा बताया कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर सेपरेट पर्सन. दोनों अलग अलग रहेंगे. यही कारण होता है कि जो मेंबर्स होते हैं कंपनी की, उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहने वाली है. लिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग होता है कि कभी भी इन एनी सर्कमस्टेंसेस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी आप लोग होल्ड करते हो, उसे हम लोग कभी भी लाइबल नहीं करेंगे किसी भी तरह के कंपनी के डेट्स वगैरह को पे ऑफ करने के लिए. इसी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी. अब देखो हो क्या सकता है, कंपनी अलग पर्सन और शेयर होल्डर्स अलग पर्सन, लेकिन क्या कंपनी खुद से चलती है या ओनर्स उसको चलाते हैं? ऑब्वियसली कंपनी खुद से नहीं चल सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से तो काम नहीं कर पाएगी वो, तो शेयर होल्डर्स उसके बदले में काम करते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेट शील्ड के पीछे छुप करके, मतलब ये मेरी कंपनी है और ये कंपनी की शील्ड ऐसे ही है, मतलब ये कंपनी है, कुछ भी अगर हुआ तो कंपनी के नाम पे आएगा. ये लोग आउटसाइडर्स हैं, ये हमारे आउटसाइडर्स हैं. यहाँ पे आउटसाइडर जरा सा मोटा हो गया है, ठीक है, चलता है, हमको कोई बात नहीं, लॉकडाउन में सभी हो रहे हैं. ये हमारे आउटसाइडर्स हैं. आउटसाइडर्स को अगर कभी भी किसी भी तरह की कंप्लेंट वगैरह है तो वो किसको बताएगा? कंपनी को बताएगा, हमें नहीं बताएगा. हम मतलब कौन? हम जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं. तो हम तो भैया एकदम सेफ है. क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक शील्ड लेकर के,
एक प्रोटेक्शन लेकर के कौन खड़ा हुआ है, कंपनी खड़ी हुई है। क्योंकि अगर समझो इन्वेस्टर्स ने सोचा कि यार ये शेयर होल्डर्स ने गलती करी है, चलो इनको अभी पकड़ते हैं, तो शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, रुक जाओ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आना। क्यों नहीं आना, जब शेयर होल्डर्स और कंपनी अलग अलग हैं तो आप हमारे पास कैसे आ सकते हो इस चीज के लिए। आप कंपनी को कंप्लेंट करो आपकी जो भी है, लेकिन आप हमारे पास नहीं आ सकते हो वो तरह की कंप्लेंट्स वगैरह लेके। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील होना। कॉर्पोरेट व्हील यानी एक स्टैट्यूटरी, एक कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन होना शेयर होल्डर्स के सामने, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक अलग लीगल एंटिटी है। कुछ भी गलत काम कंपनी में किए जा सकते हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू। मैं ये नहीं कह रही हूं कि किए जाते ही होंगे, आई एम सेइंग कि किए जा सकते हैं, और उनके ऊपर नाम भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपने हाथ खड़े कर देंगे भाई कि भैया कंपनी से पूछो क्या है, कंपनी का अपना है। ऐसे केसेस में कोर्ट ऐसा करता है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट शील्ड के पीछे छुप के, मतलब ये कॉर्पोरेट शील्ड है आपके सामने, इसका फायदा उठाते हुए शेयर होल्डर्स ने प्रोटेक्शन लेके रखी है कि उनके पास कोई नहीं आ सकता, तो कोर्ट्स कई बार क्या करते हैं, इन शील्ड्स को लिफ्ट अप कर देते हैं। शील्ड्स को लिफ्ट अप करना यानी मिटा देते हैं, शील्ड मिट गई बीच में से, मतलब जो हमारे पास प्रोटेक्शन की शील्ड थी, कॉर्पोरेट शील्ड थी, उसको हटा देते हैं। मतलब हम ये मानना बंद कर देते हैं कि कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है। दोबारा सुनो, हम ये मानना बंद कर देते हैं कि कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है, और हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि कंपनी और शेयर होल्डर एक ही है। जो डिसीजन कंपनी ने लिया है वो शेयर होल्डर्स की वजह से लिया गया, और जो रियल कल्प्रिट्स हैं, रियल कल्प्रिट्स मतलब कौन, शेयर होल्डर्स जिन्होंने सच में गलत किया है, उन लोगों को कोर्ट क्या करता है, पकड़ता है। कोर्ट उन लोगों को पकड़ने का फाइनली काम करता है। इन लोगों को कोर्ट क्या करेगा, पकड़ेगा। इन लोगों को कोर्ट क्यों पकड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कंपनी के कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के पीछे छुप करके खुद गलत काम वगैरह कर रहे थे। इस कॉन्सेप्ट को कोर्ट ने बोला है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग यानी उठाना, क्या चीज उठा रहे हैं, कॉर्पोरेट जो आइडेंटिटी लेकर के बैठा है कंपनी, जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी लेके बैठा है कंपनी, जिसके पीछे शेयर होल्डर्स एकदम प्रोटेक्टेड है, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, उसको हम उठा देंगे। तो अब कोई लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, अगर आपने गलत किया है तो अब आप पकड़े जाओगे। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। पढ़ते हैं थोड़ा और, हम लोगों को पढ़ने से भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या इसमें दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ के भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई। चलो देखना, द सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी इज अ सेपरेट पर्सनैलिटी। हमने कल ही देखा था ये चीज की, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो दोबारा से आप लोग एक बार पिछला वाला लेक्चर हमारा देखना। हमने देखा था कि कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी होती है, मतलब अलग डिफरेंट उसकी सेपरेट पर्सनैलिटी है, लीगल एंटिटी है। ऑफ अ कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज एंड इट मस्ट बी यूज फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस ओनली। मतलब एक प्रिविलेज है अच्छा, और खाली लीगल बिजनेस या अच्छा बिजनेस करने के लिए ही आपने उसको यूज करना चाहिए। वेयर अ फ्रॉड्यूलेंट, मार्क दीज वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉड्यूलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज इज मेड ऑफ द लीगल एंटिटी। कभी अगर आप ऐसा करते हो कि आपने फ्रॉड्यूलेंट गलत किया है, फ्रॉड किया है, या डिसऑनेस्ट यूज आपने लिया है लीगल एंटिटी का, ऐसे केस में द इंडिविजुअल कंसर्न विल नॉट बी अलाउड टू टेक द शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मार्क कर लो इसको भी दोबारा से, कि द इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है कंसर्न, विल नॉट बी अलाउड टू टेक द शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। वर्ड देखना क्या है, शेल्टर। उसके पीछे आप छुप नहीं सकते कि मैं जैसे ये शेल्टर के पीछे छुप जाऊं कि मुझे मत देखो, कंपनी को पकड़ो, मुझे आप लोग नहीं पकड़ सकते हो। कोर्ट ने क्या किया, इसको लिफ्ट कर दिया है, हटा दिया है, और अब जो रियल पर्सन इसके पीछे गिल्टी हैं, हम उन लोगों को क्या करेंगे, उनके ऊपर चार्ज लगा सकते हैं जो भी उन्होंने गलत किया है उस चीज का। द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल और डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। मतलब कोर्ट आपकी जो सेपरेट आइडेंटिटी है उसको तोड़ देगा, अंदर घुसेगा, और जो एक्चुअली लोग इसके बिहाइंड है, जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, उसको पकड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी बोल सकते हो। डॉक्ट्राइन इज नथिंग बट प्रिंसिपल्स, मतलब जिसके लिए लॉ में अलग से कुछ नहीं बनाया गया है, लेकिन कुछ केसेस हैं जिनके चलते हमने देखा है, उनको हम लोग डॉक्ट्राइन्स बोलते हैं। तो डॉक्ट्राइन इज नथिंग बट प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स।
तो प्रिंसिपल जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का, वो हमें ये चीज बताता है कि आप कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को हटाओ और रियल कल्प्रिट्स को उसमें से आइडेंटिफाई करो. आगे देखना है इसमें. द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल. ये देखा हमने. द कोर्ट विल लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड टेक एक्शंस एज दो नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम मेंबर एग्जिस्टेड एंड मेक द मेंबर्स ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन लायबल फॉर डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी. अगेन इंपॉर्टेंट. वो हमें क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट क्या करेगा, देखना क्या करेगा, एक्शन लेगा, लुक बिहाइंड करेगा और एक्शन लेगा. और क्या अज्यूम करेगा कि कभी कोई सेपरेट एंटिटी थी नहीं, कंपनी और शेयर होल्डर्स हमेशा से एक ही थे, सारे डिसीजन कंपनी के शेयर होल्डर्स ले रहा है, ये हम लोग अज्यूम करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेक द मेंबर्स द कंट्रोलिंग पर्सन लायबल फॉर डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी. जो भी मेंबर्स हैं, जो लोगों के पास में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, जो अभी तक कंट्रोल करके बैठे थे पूरी इस कंपनी को, उन लोगों को हम लायबल ठहराएंगे. और क्यों लायबल ठहराएंगे, क्योंकि उन लोगों की गलती के वजह से ही कंपनी के ऊपर आज इल्जाम आया. In the following circumstances, different court found it necessary to lift the corporate veil and punish the actual person who did the wrong or unlawful acts under the name of the company. मतलब ये कुछ अलग अलग सिनेरियोज हैं जब ऐसा हुआ था तो कोर्ट ने क्या किया था, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को साइड में रखते हुए, कंपनी के आइडेंटिटी को साइड में रखते हुए, उसके पीछे जो रियल कल्प्रिट्स हैं, मतलब जो रियल लोग हैं जो जिम्मेदार हैं गलत करने के लिए, हमने उन्हें पकड़ा था, हमने इन द सेंस कोर्ट ने उन्हें पकड़ा था और कोर्ट ने उनको ही गिल्टी ठहराया था इन सारे सिचुएशंस में. इन सिचुएशंस को भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. This is also very important. I'll also write over here, लेकिन आप साइड बाय साइड अपने बुक्स में भी लिखते जाओ तो आप लोगों के रेफरेंस के लिए काफी अच्छा रहेगा. Market as IMP. Important. इन नीचे के केसेस दिए हुए जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ पे. There are certain cases जिसमें कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किया था और अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी नॉर्मल लोगों को, और जो भी उसके पीछे शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिन भी लोगों ने गलत किया होगा उन लोगों को पकड़ के पनिश किया गया था. सबसे पहला देखते हैं कौन से वाले केस हैं. पहला, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. द कोर्ट में इग्नोर द सेपरेट एंटिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ द कंपनी वेयर इट इज यूज फॉर टैक्स इवेजन और सर्क्यूमवेटिंग टैक्स ऑब्लिगेशंस. अंडरलाइन कर लो, टैक्स इवेजन एंड सर्क्यूमवेटिंग टैक्स ऑब्लिगेशंस. इसका मतलब समझो क्या हो रहा है, इसका मतलब समझो, मैं बताती हूँ क्या हो रहा है. ठीक है, मैंने क्या किया, ये मेरी एक कंपनी है. ठीक है, कंपनी में प्रॉफिट हुआ से फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ का. मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स लेकर के चल रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं, रियल लाइफ का कुछ भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. प्लस आपके टैक्स के रूल्स अलग हो सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल बताने के लिए इस तरीके से बता रही हूँ. ठीक है, मैंने कमाए 3 करोड़. ठीक है, अब समझो ऐसा है, मतलब ऐसा रूल है सब लोगों का इनकम टैक्स में, ऐसा अज्यूम करो, दीज आर ऑल अजम्पशंस, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, तो सिर्फ अजम्पशन पे चलो. ठीक है, समझो अभी कैसा है ना कि मैंने ऐसा बोल दिया कि कंपनीज को 1 करोड़ रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगे. अगर आप 1 करोड़ तक का प्रॉफिट कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं, 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो तो आपको टैक्स लगने वाला है. तो अब मेरी कंपनी में तो 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो यहाँ पे मुझे टैक्स लगना चाहिए. तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया. मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने इस एक कंपनी के आगे 3 और कंपनियां बना दी, 3 अलग अलग. ये ए कंपनी बना दी, यहाँ पे ये बी कंपनी बना दी और यहाँ पे ये सी कंपनी बना दी. मैंने 3 अलग अलग कंपनी बना दी, ए बी सी, 3 अलग अलग, और तीनों में 1-1 करोड़ डाल दी. मतलब 1 करोड़ ए में डाल दिया, 1 करोड़ बी में डाल दिया, 1 करोड़ सी में डाल दिया. अब ऐसा दिख रहा है कि मेरे हर कंपनी ने बस 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और 1 करोड़ के ऊपर तो टैक्स नहीं देना. तो मैंने क्या किया, टैक्स बचा लिया. जहां पे मुझे टैक्स लग सकता था वहां पे मैंने टैक्स. अच्छा, तुम ऐसे मत बोल रहे हैं टैक्स बचाया तो अच्छा ही काम किया, फिर इसमें क्या गड़बड़ वाली बात है. टैक्स सेविंग अलग चीज होती है, टैक्स इवेजन अलग चीज होती है. टैक्स सेविंग मतलब क्या होता है, रूल्स के हिसाब से आपने टैक्स बचाया वो चलता है. टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, जानबूझ के ऐसी चीजें करना, इनकम को डाइवर्ट करना जिससे टैक्स की चोरी हो पाए,
वो हमारे लॉ में अलाउड नहीं है, एज ऑफ नाउ तो अलाउड नहीं है और कभी अलाउड नहीं होने वाला है. तो टैक्स इवेजन करना या फिर घुमा देना उसको, पैसों को घुमा देना ताकि उसके ऊपर टैक्स ना लगे, ऐसे केस में जब भी आपने ये ऐसे तीन कंपनियां बनाई थी इस चीज के लिए, तो कोर्ट ने इन तीनों कंपनी के स्टेटस को इग्नोर किया कि नहीं ये तीनों कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है और इनके पीछे जो शेयर होल्डर्स है, मतलब इस कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनको हम लोगों ने लायबल ठहराया कि अब ये लोग लायबल रहने वाले हैं इन सारे तरह की चीजों के. ठीक है, फिर से देखना, रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कंट्री के रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट इग्नोर कर सकता है सेपरेट स्टेटस अगर उसको लगता है कि कंपनी ने उसको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का यूज किया, अलग कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि या तो वो टैक्स की चोरी कर सके या टैक्स के लिए पैसे वगैरह थोड़े से घुमा सके. तो अगर आप ऐसा गलत काम करोगे तो कोर्ट बिल्कुल आपकी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करेगा, आपके कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को उठाएगा और आपके ऊपर इस चीज के लिए वो केस वगैरह चलाने वाले. चलो आ जाओ सेकेंड वाला देखते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. एनिमी कैरेक्टर यानी दुश्मन, एनिमी मतलब दुश्मन होता है. तो एनिमी कैरेक्टर देखना, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी एनिमी और फ्रेंड. भाई अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, दोस्त दुश्मन तो वो हो नहीं सकती. बट ड्यूरिंग द वॉर इट मे बिकम नेसेसरी टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड सी द पर्सन बिहाइंड इट टू डिटरमाइन वेदर दे आर फ्रेंड्स और एनिमी. This is due to the reasons that a company enjoys separate legal entity, but its affairs are run by the individual. अब इसका मतलब समझो ध्यान से, इसका तो इंटरेस्टिंग सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, चलो समझो. अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पे लेती हूँ, इस वाले पे ही लेती हूँ. ठीक है, ये एक कंपनी है. ठीक है, ये कंपनी बनाई है से फॉर एग्जाम्पल चाइना ने, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चाइना. ये चाइना की कंपनी इंडिया में, इंडिया में चाइना ने अपनी कंपनी बना के. ठीक है, चलो अब ऐसा हुआ कि अभी एज ऑफ नाउ हम लोग चाइना के साथ स्टेट ऑफ वॉर में नहीं है, तो चाइना चाहे तो हमारे पास में आकर के बना सकता है, हमको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर समझो बाद में, समझो किसी दिन ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, आई डोंट विश फॉर दीज थिंग एंड आई डोंट प्रमोट दीज थिंग, लेकिन बाय चांस अगर कभी ऐसा हुआ कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो, अज्यूम करो, ठीक है, चाइना की ये कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है. अगर ये कंपनी इंडिया में है तो कल को ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर के जो लोग हैं, मतलब इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इसके अंदर के लोग हैं, वो कल को हमें परेशान कर सकते हैं. मतलब वो ऐसा हो सकता है कि ये लोग अंदर ही अंदर कुछ और हमें परेशान कर दें या ये भी कुछ वॉर वगैरह कर दें. तो इस सिचुएशन में ये कंपनी हमारी एनिमी कंपनी बन चुकी है. वैसे कंपनी एनिमी या फ्रेंड नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे के लोग कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से आए हैं. अगर आज हम उस कंट्री के साथ में वॉर में हैं और उसी कंट्री के लोग हमारे पास में आकर के बिजनेस चला रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो कंपनी एनिमी कैरेक्टर की है. तो अगर कभी मुझे ये डिटरमाइन करना होता है, बताना होता है कि क्या इस कंपनी का कैरेक्टर एनिमी है या नहीं है, मतलब ये कंपनी मेरे कंट्री में रहनी चाहिए है या नहीं रहनी चाहिए है, तो उन चीजों के लिए भी हम लोग जो आपकी सेपरेट एंटिटी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, मतलब इन्होंने कंपनी बनाई थी ना, तो ये बोल सकते थे कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है. आप शेयर होल्डर उस कंट्री के होने की वजह से कंपनी को क्यों सजा दे रहे हो, मतलब बोल सकते थे ये लोग की शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है. अगर शेयर होल्डर्स हैं चाइना के तो उसकी वजह से कंपनी को क्यों हटाना. बट कंपनी को इसलिए हटाना क्योंकि हमने क्या किया है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करी है. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है, जो सेपरेट आइडेंटिटी के पीछे आप लोग हाइड कर रहे थे, हमने वो चीज हटा दी है. आप अब हमारे एनिमी कंपनी हो तो अब आपको यहां से जाना पड़ेगा. ये सेम हेल्ड किया गया है एक केस में, उस केस का नाम आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, डेलमा कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड. दोनों का केस हुआ था, तो वो वाले केस में यही चीज हुई थी सेम, कि दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो गया था और फिर इस कंपनी को हमने एनिमी कैरेक्टर का डिक्लेयर किया. पढ़ क्या रहे हैं, वापस आ जाओ यहाँ पे, कि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं. हम देख रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कि जो कॉर्पोरेट स्टेटस है आपका, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको हटा करके उसके पीछे के रियल कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करना. उसके बाद हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया कि कौन कौन से केसेस में कोर्ट्स ऐसा कर सकती हैं कि आपकी जो भी कॉर्पोरेट व्हील वगैरह है उनको लिफ्ट करेंगे. तो पहला केस था अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हो कंपनी बना करके, तो मतलब कंपनी की पर्सनैलिटी का फायदा उठा के टैक्स की चोरी.
दूसरा केस है अगर एनिमी कैरेक्टर है तो कंपनी का, मतलब वो जो कंपनी है जिसकी बातें हो रही है वो कंपनी मेरी एनिमी कंपनी है, मतलब मेरी दुश्मन कंपनी है, या जिस कंट्री से वो आई है, जिस कंट्री के लोग उसके अंदर हैं, वो कंट्री के साथ मेरा एज ऑफ नाउ वॉर चल रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट लीव कर सकते हैं। आओ थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अगर मैं किसी भी तरह से फ्रॉड वगैरह को प्रिवेंट करना चाहती हूँ तो वेयर अ कंपनी इज यूज्ड फॉर कमिटिंग फ्रॉड्स और इम्प्रॉपर कंडक्ट द कोर्ट्स में लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल एंड लुक एट द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। इसका मीनिंग क्या है ना, अगर आप फ्रॉड करने के लिए कंपनी को यूज कर रहे हो तो, क्योंकि अगर फ्रॉड हुआ भी और कल को पकड़ा भी गया तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अपने हाथ खड़े, क्यों हाथ खड़े कर देंगे, कंपनी अलग है हम अलग हैं, तुमको पकड़ना है जाके कंपनी को पकड़ लो। लेकिन कंपनी के पीछे डिसीजन कौन ले रहा था, यही लोग शेयर होल्डर्स थे जो कंपनी के पीछे सारे डिसीजंस ले रहे थे कंपनी के। तो इसीलिए अगर कल को कोर्ट को कभी ऐसा लगता है कि आप क्या कर रहे हो, दो चीजें उन्होंने बताया कि अगर आप दो चीजें कर रहे हो, दो कौन कौन सी चीजें कर रहे हो देखना, अगर या तो आप फ्रॉड्स के लिए यूज कर रहे हो, कमिटिंग फ्रॉड गलत तरीके से कोई काम कर रहे हो, या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट कुछ गलत काम कर रहे हो जो लॉ ने अलाउ नहीं किया, तब भी वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है। और ये कौन से केस में देखा गया था, जोन्स वर्सेस लिपमैन में। जोन्स वर्सेस लिपमैन एक केस हुआ था जिसमें फ्रॉड करने के लिए कंपनी का यूज किया जा रहा था और उस समय भी कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करी। आगे आना नेक्स्ट वाले, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अगर पब्लिक पॉलिसी को, पब्लिक को किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो उन चीजों के लिए देखना, द कोर्ट शैल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील विदाउट एनी हेजिटेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड प्रिवेंट द ट्रांजैक्शंस अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अपोज जाना मैं आपको बताती हूँ जैसे क्या होता है। आप लोगों ने ना चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में सुना होगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं सुना होगा तो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको किडनैप किया जाता है और फिर उनको अलग अलग जगह पे जैसे यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बेगिंग के लिए यूज किया जाता है, जो रोड्स वगैरह पे ये सब करने के लिए कहीं पे भेजा जाता है, कभी मतलब खरीदा बेचा भी जाता है। ये सारी भी चीजें होती है, बहुत हार्ड रियलिटीज है लेकिन ये भी सारी चीजें होती है। तो ये चीज क्या है, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, पब्लिक के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज गलत है, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। अगर आप कंपनी बना के ऐसा कोई काम करते हो जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो उस केस में भी हम आपकी जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको लिफ्ट करने वाले हैं। मतलब अगर हमें आप ऑपोज्ड एक्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा काम करते हो जो ऑपोजिट जा रहा है पब्लिक पॉलिसी से, तब भी हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करने वाले। आगे आना नेक्स्ट वाले पे, कंपनी मियर शैम और क्लोक। मतलब कंपनी तो खाली नाम के लिए बनाई गई है, रियली तो कुछ है ही नहीं, फालतू में ही मैंने कंपनी बना के रखी है, मतलब कुछ इलीगल धंधे, कुछ इलीगल काम करने के लिए मैंने कंपनी बना के रखी है। तो वेयर द कंपनी इज अ मियर शैम एंड वॉज रियली अ प्लॉय यूज फॉर कमिटिंग इलीगैलिटीज एंड टू डिफ्रॉड पीपल। इसका मतलब क्या है ना, मियर का मतलब होता है ओनली, ओनली। तो कंपनी को सिर्फ इसीलिए बनाया गया, कंपनी मतलब सिर्फ एक आइडेंटिटी थी, सिर्फ एक फेक चीज थी जिसको मैंने क्यों बनाया था, यूज करने के लिए ताकि मैं इलीगल काम कर सकूं और फ्रॉड कर सकूं। जैसे ना आपने कई सारे चिट फंड्स वगैरह के ऐसे केसेस सुने होंगे कि वो लोग ओपन करते हैं, लोगों से पैसा वगैरह लेते हैं और पूरा लेकर के भाग जाते हैं यहाँ से। तो मैंने कंपनी बनाई क्यों थी, अच्छा मैंने नहीं बनाई थी, वो जो भी लोग हैं चिट फंड वाले उन्होंने कंपनी बनाई क्यों थी, लोगों को धोखा देने के लिए। आप लोगों ने अगर फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, तो वैसे नहीं देखी है तो पहले देख लो, इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देखनी चाहिए। फिर हेरा फेरी मूवी में वो जो लक्ष्मी चिटफंड, शायद मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली नेम्स क्या होते हैं, लेकिन लक्ष्मी चिटफंड, बिपाशा बासु ने लक्ष्मी चिटफंड इसलिए बनाया था ताकि लोगों से पैसा लेकर के उनको डिफ्रॉड कर सके। तो अगर आप ऐसे कामों के लिए कंपनी बनाओगे तब भी हम सेपरेट एंटिटी को हटा करके जो उनके पीछे के रियल कल्प्रिट्स हैं, रियल लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, उनको पकड़ करके सजा देने वाले। ये चीज भी किसमें हो चुकी है देखना, इसका भी एक केस लॉ दिया हुआ है कि इस वाले केस में यही चीज हो चुकी है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, इस केस में ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है। आगे आना, वेयर कंपनी एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ इट्स शेयर होल्डर। जहां पे कंपनी अपने शेयर होल्डर के एक एजेंट की तरह काम कर रही है, किसकी तरह काम कर रही है, एजेंट्स वगैरह की तरह काम कर रही है। इसका मीनिंग क्या है देखना,
If there is an arrangement between the shareholders in a company to the effect that company will act as an agent of shareholders for the purpose of carrying on the business is essentially of that the shareholder and will have unlimited liability. मतलब कंपनी तो खाली एजेंट बनी हुई है shareholders की. मतलब shareholders जो काम करना चाहते हैं उनके लिए एक एजेंट है. अपने principal agent का relationship आपको पता होगा, जैसे master servant relationship होता है. मास्टर जो बोलता है सर्वेंट को वो चीज करनी पड़ती है. वैसे ही प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप होते हैं. प्रिंसिपल मतलब मेन और एजेंट यानी अलग अलग लोग जिसको उसने अप्लाई किया है, वो अपॉइंट किया है वो सारे काम करने के लिए. तो अगर कंपनी खाली एक एजेंट बनी हुई थी शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स मेन प्रिंसिपल्स है, मेन कल्प्रेट है जो गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी हम कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर सकते हैं और आपके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाने का मतलब होता है कि अब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल हो सकती है बाकी जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए. आगे देखना नेक्स्ट वन. अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन. अगर आप जानबूझ के किसी लॉ को अवॉइड करना चाहते हो तो उस चीज के देखना. Where a company tries to avoid its legal obligation, the corporate veil shall be lifted to look at the real picture. As was held in Workmen of Associated Rubber Industries Limited versus Associated Rubber Industry Limited. इसका मीनिंग क्या है ना, जान मुझ के मैंने कंपनी क्यों ओपन करी है, ताकि मैं लेबर्स को बेनिफिट वगैरह देने से रोक सकूं. जैसे इस वाले केस में क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बताती हूँ ये वाला एक केस. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, यहाँ पे मेरी एक कंपनी, ठीक है. अभी मैंने ऐसा बोला हुआ है कि इस कंपनी में अगर किसी को कुछ भी हो जाता है, मतलब जब भी आप जॉब पे थे और आपको कुछ भी हो जाता है, तो मैं आप लोगों को कॉम्पेंसेशन दूंगी. मतलब आप लोगों को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करूंगी कुछ भी हुआ तो, लेकिन सिर्फ तब प्रोवाइड करूंगी जब मेरे को प्रॉफिट होंगे, ठीक है. अब समझो किसी लेबर के साथ कुछ गलत हुआ और उसको कॉम्पेंसेशन चाहिए, तो वो मेरी कंपनी के पास आएगा, आपके पास अगर प्रॉफिट है तो मुझे कॉम्पेंसेशन दो. मैंने क्या किया, मेरे पूरे प्रॉफिट्स उठा करके दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर दिए, या फिर दोनों कर सकती हूं मैं, पूरे लेबर्स उठा के दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर, ताकि जो लेबर के वेलफेयर के लिए लॉ बना हुआ है कि भाई इसको फॉलो करो, बस मुझे वो फॉलो नहीं करना इसलिए मैंने ऐसा किया. तो अगर कभी आप ऐसा करते हो कि आपकी इच्छा रखते हो कि आप क्या करना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो आपकी जो लीगल ऑब्लिगेशंस है वो, अगर आप कभी अवॉइड करना चाहते हो, आई एम सॉरी आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग. हाँ, अगर कंपनी कभी भी अवॉइड करना चाहती है अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को, जो भी मेरे ऊपर लीगल बाउंडेशंस वगैरह है उनको अवॉइड अगर मैं करना चाहूंगी, तब भी कंपनी आपकी लिफ्ट, जो कॉर्पोरेट डील है आपके आगे, उसको लिफ्ट कर सकता है और जो उसके पीछे गुनेगार लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत किया है उन लोगों को पनिश वगैरह कर सकता है. ऑन सिमिलर लाइंस ये किसमें हुआ हुआ था, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड. ये कंपनी का नाम है एसोसिएटेड रबर कंपनी, इसी के वर्कमैन ने केस किया था इसलिए ऐसा है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड. आगे आना, to punish for contempt of the court, company being an artificial person cannot disobey the court orders of court, therefore the person at fault should be identified. मतलब अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और आपने उस चीज को नहीं मानी, अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो मान नहीं सकती, कोर्ट का ऑर्डर मानने की जिम्मेदारी उन लोगों पे थी जो कंपनी के पीछे के शेयर होल्डर्स थे. अगर वो भी आप लोग नहीं मानोगे या वो चीज आप लोग नहीं मानोगे, तो उसको भी हम लोग ऐसा मानने वाले हैं कि हमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील करनी पड़ेगी और जो रियल लोग हैं जिन लोगों ने ये काम नहीं किया उस चीज, उन लोगों को पनिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपको मम्मी ने कहा कोई चीज रखने के लिए कि समझो ये टेबल यहां से उठा के वहां पे रख, तो आप ऐसा बोलते हो ये टेबल उठ ही नहीं रही, ये टेबल मेरी बात ही नहीं मान रही. टेबल कैसे आपकी बात मानेगी, टेबल तो नॉन लिविंग थिंग है, आर्टिफिशियल थिंग है, आपको ऑर्डर मानने पड़ेंगे. तो अगर टेबल मूव नहीं भी हो रही तो डांट तो किसको पड़ने वाली है, आपको पड़ने वाली है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट फी. तो और एक केस हमको पता चल गया कौन से केस में कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग डिस ओबे करते हो कोर्ट के ऑर्डर्स को, कोर्ट ने कोई ऑर्डर्स वगैरह दे के रखे हैं, अगर मैंने कभी भी उसको डिस ओबे किया तो उस वाले केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील हो सकती है.
एक बार ध्यान से देख लेना, वापस एक बार देखते हैं अपन ने आज कितना किया है। ये वाले लेक्चर में अपन ने देखा है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है, मतलब जो सेपरेट आइडेंटिटी है या शेल्टर है कंपनी का, उस चीज को हटा देना। साथ में अपन ने देखा किस किस चीजों के लिए हो सकता है, रेवेन्यू प्रोटेक्शन के लिए, एनिमी कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्रॉड वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, पब्लिक पॉलिसी के अगर अगेंस्ट जा रहा है तो उसके लिए, अगर मियर एक क्लोक की तरह एंड एक्ट कर रही है तो, सिर्फ एजेंट है शेयर होल्डर्स की, वेलफेयर लेजिस्लेशंस के अगेंस्ट है तो, एंड लास्टली अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसओबे करते हो तो। ये कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कोर्ट्स ने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं केसेस में कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करता है, और भी अगर कोई केसेस होते हैं जो फ्रॉड करने के लिए या गलत करने के लिए हो रहे हैं तो उन केसेस में भी कॉर्पोरेट शील्ड को लिफ्ट किया जा सकता है। देख लेना आप लोग भी एक बार ध्यान से, एक बार रीड भी करना तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से पूछ ही सकते। चलो कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंपनीज। आ जाओ टाइप्स ऑफ कंपनीज। अभी तक देख लिया हिस्ट्री, क्या क्या हिस्ट्री है कंपनीज एक्ट की, कहाँ से आया हुआ है, क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। बाद में हम लोगों ने देखा कि कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें हमने मेजर कर ली है। और उसके बाद में फाइनली हमने देखा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वगैरह क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो सब देखना। अब हमारा फाइनली नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो है टाइप्स ऑफ कंपनीज, मतलब कितने टाइप की कंपनीज होती है। टाइप ऑफ कंपनीज वैसे डील किया जाता है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं। सेक्शन 3 के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेक्शन 3 के हिसाब से तीन ही टाइप की कंपनीज इंडिया में होती हैं, बस तीन टाइप की, इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं होती है। तीन टाइप की कंपनीज कौन कौन सी है वो देखना एक बार ध्यान से। सबसे पहले वाली जो हम लेते हैं वो होती है प्राइवेट कंपनी। आई राइट ओवर हियर, प्राइवेट कंपनी सबसे पहले होती है, प्राइवेट कंपनी। दूसरी होती है पब्लिक कंपनी, दूसरी हो गई पब्लिक कंपनी, और तीसरी होती है वन पर्सन कंपनी। अरे फिर वो सब क्या होती है, वो अपन सुनते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है, एसोसिएट कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, फॉरेन कंपनी, वो सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज खाली तीन होते हैं, कौन कौन से, पब्लिक, प्राइवेट, ओबीसी। ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, अभी तो मैं आपको बोल रही हूँ लेकिन क्लेम मैं नहीं कर रही, बोलता कौन है, सेक्शन 3। सेक्शन 3 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का, ने बताया है कि तीन टाइप के कंपनीज है। कौन कौन से, फटाफट बोलते जाओ, मेरे पीछे मैं सुन रही नहीं हूँ तो आप बोल रहे नहीं हो, ऐसा मत करो, बोलते जाओ। सबसे पहला वाला प्राइवेट, सेकेंड वाला पब्लिक, और थर्ड वाला ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी भी पहले नहीं था अपने पास, मतलब इंडिया में कभी एज सच था नहीं, लेकिन 2013 में ये वाला जब नया एक्ट आया था तो ओपीसी वाला कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, इससे पहले कभी भी ओपीसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। बस तीन ही टाइप की कंपनी होती। तो फिर वो क्या होती है, वो जो गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, स्टैचुटरी कंपनी, ये वो सारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज नहीं होते। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक गिवन स्टैंडर्ड पे, एक गिवन बेसिस में आप उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या क्या बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इस रीजन के वजह से देखना लाइन क्या लिखी है, कंपनीज आवो वेरियस टाइप्स। वेरियस टाइप्स कौन कौन से है, मैंने बता दिया तीन टाइप्स के होते हैं। आगे देखना वर्डिंग क्या यूज हुई है, द कंपनी आर क्लासिफाइड अंडर वेरियस कैटेगरीज। क्लासिफाइड यूज हुआ है, टाइप्स नहीं यूज हुआ है, क्योंकि कंपनी का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं लेकिन टाइप्स खाली तीन ही होते हैं, वो है पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से कि ऐसा है तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की पूरी क्लास है तो मैं क्लासिफाई कर दूं कि इन क्लास में बॉयज कितने और गर्ल्स कितने, तो मैंने क्या किया, जेंडर के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने। उसके बाद समझो मैं ऐसा एग्जांपल लूं कि आप लोगों में से सीएमए के साथ साथ कौन कौन बीकॉम कर रहे हो, कौन कौन नहीं कर रहे हो, तो मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। तो ऐसे बेसिस कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर आप लोग क्लासिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहला वाला बेसिस देखते हैं आप लोगों का। हाँ,
फर्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, मतलब कितनी लाइबिलिटी है आप लोगों की, उसके बेसिस पे क्या क्या तरह की कंपनीज होती है। देखना लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को तीन टाइप्स में बांटा गया आगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। फिर से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, तीन तरह की कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइबिलिटी। पहला वाला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी अनलिमिटेड कंपनी। इसका मतलब ध्यान से समझना एकदम, सब आजू बाजू जो भी काम कर रहे होगे, साथ में लेके बैठे होगे, वेफर वेफर खा रहे होगे, तो सब एक बार साइड में रख दो, सिर्फ इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो कि ये क्या होता है। ठीक है चलो चलो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बताती हूँ सबसे पहले आप लोगों को क्या होता है कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसका मीनिंग क्या होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहली एक चीज समझो, लिमिटेड वर्ड और अनलिमिटेड वर्ड ये शेयर होल्डर्स से कनेक्टेड है। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी या फिर शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, अब लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या होता है, समझो एक कंपनी है एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी है, आपने उस कंपनी का एक शेयर खरीदा है। एक शेयर खरीद सकते हैं क्या मैम? खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लॉट्स बनाते हैं खरीदने के तब आप लोग नहीं खरीद सकते, वो अलग चीज है, वो जाने दो तुम लोग, अभी सिर्फ इतना ही देखो। चलो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में एक शेयर अपन ने खरीदा, अपन या आप या मैं किसी ने भी एक शेयर खरीदा, एक शेयर था अपना 10 रुपए का, कितने का था बेटा 10 रुपए का, बस हाँ बस 80 रुपए का। ठीक है 10 रुपए का अपना एक शेयर था, तो अपन ने ये 10 रुपए का शेयर खरीद लिया। अब आपने ऐसा पढ़ा होगा 11th में 12th में अकाउंट्स में कई बार पढ़ा होगा, जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगा ले, जरूरी नहीं है कि जब आप शेयर खरीद रहे हो मैं तभी आपसे पूरा पैसा मंगवा लूं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप शेयर खरीद रहे थे तो मैंने बोला अभी 5 ही रुपए दो बस मैं आपको शेयर दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो और 5 रुपए आप लोगों को लेकर के आना पड़ेगा। क्या बोल रही हूं मैं, अभी 5 रुपए दे दो और शेयर खरीद लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कंपनी को जरूरत होगी तो बचे हुए 5 रुपए, बचे हुए 5 रुपए क्यों, शेयर तो 10 रुपए का है ना, क्योंकि आपने तो अभी 5 ही रुपए दिए, तो बचे हुए 5 रुपए आपको लेकर के आना पड़ेगा। तो देखना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी का एक शेयर खरीदा जो कि 10 रुपए का था, उसमें से 5 रुपए मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे भर दिए, मतलब ये वाले मैंने भर दिए क्या, बिल्कुल भर दिए, ये 5 रुपए मैंने अभी तक भरे हैं क्या, अभी नहीं भरे, जब कंपनी बोलेगी तब मैं भरूंगी। ऐसे केस में अगर कंपनी वाइंड अप होती है और मुझे पैसे भरने पड़ते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसे भरने पड़ेंगे, तो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लिमिटेड मतलब सर्टन अमाउंट तक लिमिटेड होगी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसा नहीं लेके आना पड़ेगा। मेरी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर तक, मतलब 5 रुपए तक, वो रुपए जो मैंने अभी तक पे नहीं किए हैं, बस उतनी ही मेरी लायबिलिटी है, उसके अलावा मेरी लायबिलिटी नहीं रहेगी। फिर मैम अगर आउटसाइडर्स को उससे ज्यादा देने रहे, मेरी गलती नहीं है उसमें, उनके पैसे डूबेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी, हाथ खड़े कर देना आपने, इसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल नहीं होता, चुपचाप हाथ खड़े कर दो, हम तो खाली अनपेड वैल्यू तक देने वाले हैं। मेरी अनपेड वैल्यू जो मुझे लेके आनी चाहिए थी या रादर दे देनी चाहिए थी वो कितना है 5 रुपए, तो उतना लेके आ जाऊंगी, 10 रुपए मुझे स्टार्टिंग में बोला था ना 10 रुपए का शेयर है और मैंने 5 ही दिए, तो समझ आता है कि मेरे बाकी है 5 रुपए भरने, वो 5 रुपए में अभी लेकर के आ जाऊंगी। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखना इसकी वर्डिंग भी नीचे आप लोगों को सेम इसी चीज की वर्डिंग्स भी दी हुई है, तो वो वर्डिंग्स पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना कि क्या है। सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, ये सेक्शन आपने नहीं याद किया तो चलेगा, कंपनी का याद करना ये मत याद करना। देखना अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी कभी भी मेंबर्स की होती है, जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, क्या है उनके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट, कितने अमाउंट तक देखना, अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, जितना अमाउंट मेरा अनपेड है, जितना अमाउंट मेरा बाकी है, बस उतना मैं अभी लेकर के आऊंगी। अच्छा एक ऐसा डाउट आ सकता है, आपको डाउट आया क्या मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आया होगा तो मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर देती हूँ। समझो आप मुझे ऐसे पूछो, मैम 10 रुपए का शेयर था
और 10 रुपए पूरे के पूरे मैंने भर दिए स्टार्टिंग में, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा, मैंने पूरे के पूरे पैसे भर दिए, 10 के 10 रुपए मैंने फर्स्ट टाइम में भर दिए। अब तो मेरी अनपेड वैल्यू कितनी बची? जीरो, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास तो, क्योंकि अब मेरी अनपेड वैल्यू तो जीरो है कि मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे जीरो हो गया मेरा। तो इस केस में आपकी लायबिलिटी क्या हो, सोचो इस केस में इंसान की लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा आप लोग भी, क्या लायबिलिटी होनी चाहिए इस केस में। जिसने बोला होगा वेरी गुड उन लोगों के लिए, और जिसको नहीं आ रहा है उनके लिए मेरी लायबिलिटी जीरो रहेगी, कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि कोई अनपेड वैल्यू है ही नहीं मेरे शेयर्स पे। यही रीजन की वजह से वर्ड यूज हुआ है इफ एनी, अगर कोई अनपेड वैल्यू है तो ही आपकी लायबिलिटी रहेगी, नहीं तो कोई लायबिलिटी नहीं है। और लिमिटेड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि मेरी लिमिटेड है, कहां तक लिमिटेड है? 10 रुपए तक की। और 10 रुपए में से भी जितना मैं पहले पे कर चुकी हूँ उतना वापस से पे करने की जरूरत नहीं है, खाली जितना आपका अनपेड वैल्यू अभी तक आपने नहीं पे किया वो आप लोग वापस से हमको पे कर। इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना सबसे आसान होती है, सबसे सिंपल वाली होती है, ठीक है। कंपनी है ना जब भी इनकॉर्पोरेट होती है तो अपना मेमोरेंडम बनाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो क्या होता है? वो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, ये मेरा एमओए है समझो, चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब चीजें लिखी जाती है, कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी क्या बिजनेस करेगी, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी रहेगी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, सब चीज, मतलब सब करता धरता हमारा जो होगा वो सब हम एमओए में लिखेंगे, ठीक है, ये मेरा एमओए है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रही तो ऐसे वाले केस में मेंबर्स क्या करते हैं, देखो मेंबर्स शेयर नहीं, यहाँ पे शेयर्स है ही नहीं, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वैसे तो इसमें भी शेयर्स हो सकते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और होता है क्लासिफिकेशन, लेकिन अभी बेसिक समझो आप लोग खाली, कि समझो मैंने एमओए में मैं एक मेंबर हूँ, आप एक मेंबर हो, बस दो ही मेंबर्स। मैंने ऐसा बोला, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मेरा नाम, मैंने यहाँ पे ऐसे बोला आरजे, मैं लिख लेती हूँ राजश्री जैन, मैंने ऐसा बोला कि अगर ये कंपनी वाइंड अप हुई तो मैं पूरे, देखना ध्यान से, बहुत पैसे मैं कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ, पूरे 2 रुपए लेके आऊंगी, ले ली मैंने गारंटी, बस कितनी भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कम लो ज्यादा लो कुछ भी, मैंने गारंटी ले ली कि मैं 2 रुपए लेके आऊंगी अगर कंपनी वाइंड अप हो गई तो। मतलब जब वाइंड अप होती है ना कंपनी, तो एक्चुअली हमारे जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको भी पैसा देना है, आउटसाइडर्स होते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो उनको पैसे देने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो कुछ पैसे तो कंपनी के एसेट बेच के आ जाते हैं, और जो नहीं आते हैं वो मेंबर्स ला करके देते हैं। तो अगर लिमिटेड बाय शेयर्स होता तो जितना अनपेड होता मेंबर्स उतना ला करके देते, और लिमिटेड बाय गारंटी में क्या करते हैं, जितनी हमने गारंटी ली है उतना हम लोग यहाँ पे ला के देते हैं। और समझो ये तुम हो, तुमने गारंटी ले ली कि तुम 500 रुपए ला के दो, अच्छे बच्चे हो तुम, करते हो अच्छा सब काम, तो तुम ला के दोगे 500 रुपए, हम लोग दोनों ने ऐसी गारंटी ले ली, तुम लेके आने वाले हो 500, मैं लेके आने वाली हूँ 2 रुपए, ठीक है, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा इसको, 2 रुपया अजीब सा ही लगेगा, चलो 200 कर देते हैं, ठीक है, खुश, जो भी वहां से कुड़कुड़ कर रहे होंगे, आपने तो 200 ही लिए, लो मैंने भी 200 ले लिए, ठीक है, 2 नहीं लिए मैंने, 200 ले लिए। तो अब क्या होगा, जब भी कंपनी वाइंड अप हो रही है तो हम दोनों मिलके, मैं 200 रुपए लाऊंगी, आप 500 रुपए लाओगे, और ये 700 रुपए हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के तरफ, ताकि आउटसाइडर्स की लायबिलिटी को फुलफिल कर दी जाए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, मेमोरेंडम में कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पे ही आप एक अमाउंट अंडरटेक करते हो कि मैं इतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, और जब कंपनी वाइंड अप होगी आपको उतने पैसे लेके आने पड़ेंगे। अच्छा मैम, कंपनी वाइंड अप ही नहीं हुई तो? नहीं हुई तो मत लेकर क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंपनी वाइंड अप नहीं हुई तो मत लेके। अच्छा मैम, अगर ऐसा हुआ कि आउटसाइडर्स को है ना 900 रुपए देने हैं, लेकिन हम दोनों के तो जमा करके बस 700 ही रुपए हो रहे हैं, तो वो जो बचे हुए 200 रुपए हैं वो कौन लेके आएगा, क्योंकि हमारे तो 700 ही हो रहे हैं, देखो 200 प्लस 500 करूंगी तो 700 ही होंगे, जो बचे हुए रुपए हैं, मतलब जो 200 रुपए हैं बचे हुए, नहीं मैं नहीं लाऊंगी, तुम मेरी तरफ इशारा मत करो, आप ले आओ, मैं नहीं लेकर के आने वाली हूँ, ये 200 रुपए उनके डूब जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, हमने पहले ही बताया था कि हमारी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, देखो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है लिमिटेड, मेरी अगर लायबिलिटी लिमिटेड है गारंटी के थ्रू, तो मैंने जितनी गारंटी ली थी मैं बस उतना अमाउंट लाऊंगी, उससे ज्यादा मैं कोई अमाउंट लेकर के नहीं आऊंगी, ठीक है।
चलो देखते हैं, ये वाला भी पढ़ लेते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 21. सेक्शन लर्न करने की अगेन जरूरत नहीं है. जहां पे आपको सेक्शन लर्न करना होगा आई विल टेल यू, ये वाला सेक्शन मत लर्न. डिफाइंस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एज कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड, लिमिटेड यानी एक सर्टेन सम तक लिमिटेड होगी. लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट, कौन से अमाउंट तक, एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट. यानी कि जितना मेंबर्स ने खुद अंडरटेक किया है, खुद से बोला है कि हम इतने रुपए लेकर के आने वाले हैं, जितना आप लोग अंडरटेक करोगे कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए उतना ही टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वुंड अप. मतलब जब एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी आउटसाइडर्स को देने के लिए, तो हमने जितनी गारंटी ली होगी उस अमाउंट तक ही बस हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उसके आगे लिमिटेड नहीं रह सकती है. कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि उससे ज्यादा पैसे लेके आओ. क्या उतने ही पैसे लाने के लिए फोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उतने पैसे तो लाने के लिए कर सकते हैं क्योंकि हमने गारंटी ली थी. आप मुझे 200 रुपए लाने के लिए फोर्स कर सकते हो, लेकिन 200 के ऊपर मैं रुपए नहीं लेकर के आऊंगी क्योंकि उस समय मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है रुपए लेकर के आने. क्लियर? देखा अपन ने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जिसमें अनपेड वैल्यू तक लिमिटेड होता है, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. अब तीसरी देखना अनलिमिटेड. ये तो सबसे इजी है, सबसे चिल्लर वाली होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय सॉरी अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है ना, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती लायबिलिटी के ऊपर. अगर लायबिलिटी अराइज हुई तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच करके पैसा कंपनी के तरफ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. इसी को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी. ऐसी कंपनी जिसमें कोई लिमिट नहीं है. देखना, नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. कोई लिमिट नहीं है मेरे ऊपर और मुझे पूरे के पूरे पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अगर कंपनी वाइंड अप हो रही हुई और आउटसाइडर्स को देने के लिए पैसे नहीं है तो. अच्छा, अगर मेरे पूरे पर्सनल एसेट्स, बैंक अकाउंट सब बेचे बाद फिर भी कुछ बच गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते. मैंने मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पूरी बेच दी, जितना था मेरे पास सब दे दिया, तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते. क्लियर है? वापस देखते हैं अपन लोग क्या कर रहे हैं. अपन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी. टाइप्स ऑफ कितनी कंपनी है? तीन है, पब्लिक, प्राइवेट, ओबीसी. नेक्स्ट अपन ने देखा क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे होता है, मैंने आपको बताया. जैसे मैंने स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन किया जेंडर के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, सेम वैसे ही. तो सबसे पहला हमने किसके बेसिस पे किया? लायबिलिटी के बेसिस पे. उस लायबिलिटी के बेसिस पे हमने तीन कंपनीज बताई. कौन कौन सी? सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा हमने देखा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा हमने देखा अनलिमिटेड कंपनी. ये तीनों एकदम अच्छे से आप लोगों को क्लियर होंगे. नहीं समझे होंगे तो आप लोग मुझे पूछ सकते. आगे आना नेक्स्ट वाला, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. कितने मेंबर्स है कंपनी में, उसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन होता है. तो उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन दिए हैं, वैसे तीन क्लासिफिकेशन होता है क्योंकि यहाँ पे एक ओपीसी भी आती है. मैं यहाँ पे एक और बना देती हूँ, आप लोग भी अपने बुक्स में ऐड कर लेना, ये अपडेटेड नहीं होगा. लेकिन मेंबर्स के बेसिस पे भी हम लोग तीन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी. तीन तरह के मेंबर्स वगैरह के बेसिस पे कि कितने मेंबर्स रहेंगे, क्या रहेंगे, उनके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. सबसे पहला वाला देखते हैं पब्लिक कंपनी. सब में मैं ऐसा लिख देती हूँ कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं. यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आप भी अपने नोटबुक में साइड में ही ऐसा बना देना एक चार्ट टाइप कि मिनिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं. मतलब जो आपके मॉड्यूल्स है उनमें ही बना दो तो रेफरेंस के लिए आसानी रहे. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स लगते हैं, कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. तुम 100, 200, 1000, 2000, 1,00,000, 2,00,000, 2,00,00,00, 1,00,00,000 कितने भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैक्सिमम अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड जितने रखना चाहो रखो. प्राइवेट कंपनी में होते हैं मिनिमम 2 मेंबर, कम से कम 2 तो होने चाहिए और मैक्सिमम पे लिमिट होती है. लिमिट कितनी होती है? 200, बस 200 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती. सेम गोज फॉर दी पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में क्या होता है देखना, सॉरी ओपीसी में क्या होता है देखना, ओपीसी में मिनिमम नंबर हो सकता है 1 और मैक्सिमम नंबर भी हो सकता है 1, क्योंकि नाम ही इसका क्या है देखना, 1 person कंपनी. अगर 1 person कंपनी इसका नाम है तो इन केस हम लोग यही बोल सकते हैं कि इस वाले केस में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, मिनिमम भी एक ही होता है एंड मैक्सिमम भी एक ही मेंबर होता है. ठीक है, चलो देखते हैं एक एक क्या दिया हुआ है इसमें. है ना, पहले हम लोग प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे फिर पब्लिक. मैं बताती हूँ बाद में रीजन ऐसा क्यों, बट पहले आप लोग प्राइवेट कंपनी पे आ जाओ, पहले इस पे आ जाओ. नीचे अपन को प्राइवेट कंपनी दिया हुआ है, पहले प्राइवेट पे आओ, नेक्स्ट वी विल कम ऑन दिस पब्लिक.
चलो देखते हैं प्राइवेट क्या है. एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 लर्न करना है, मार्क कर लो फॉर लर्निंग. सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 डिफाइंस प्राइवेट कंपनी एज अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब. मतलब इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना रहने वाला है, जितना हम प्रिस्क्राइब करेंगे उतना. वैसे अब ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट जा चुकी है. आपने वैसे पहले पढ़ा होगा 11th एंड 12th में कि 1,00,000 रुपए चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, 1,00,000 चाहिए प्राइवेट के लिए, 5,00,000 चाहिए पब्लिक के लिए. अब जा चुका है, अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब जीरो पैसे से भी स्टार्ट करो कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन क्या चीजें देखना, इनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, जब भी आप इनकॉर्पोरेट होते हो ना तो आप दो डॉक्यूमेंट्स बनाते हो. एक आप बनाते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और एक आप बनाते हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA. AOA में पूरे इंटरनल रेगुलेशन की चीजें होती है, ठीक है. तो आपके जो भी आर्टिकल्स है ना उसमें ये तीन रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए हैं. कौन से तीन देखना, पहला रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर. हमने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. हमने कल ही देखा था, मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं. ट्रांसफर करना है तो कंपनी को वापस दे दो, कंपनी जिसको भी देना चाहेगी कंपनी उसको दे दे. नेक्स्ट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ OPC, मतलब सिर्फ OPC को छोड़ के लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. अभी ऊपर देखा, अभी अपन ने ये देखा, देखना ओपीसी में खाली वन ही होता है, उसको छोड़ करके बाकी सारी. एक्चुअली ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली, लेकिन अब उसको अलग से क्लासिफाई करते हैं इसलिए मैंने अलग से लिखा है, नहीं तो प्राइवेट कंपनी के टाइप का ही ओपीसी होता है. तो ओपीसी को छोड़ के बाकी कंपनीज में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200, बस 200 से ज्यादा नहीं हो सकते. तीसरा, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. इन शॉर्ट, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, पब्लिक उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकते, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हो. आपके जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, एक आध दो लोग हैं, चार हैं, पांच हैं, दस हैं, 200 तक लोग जो आपके आइडेंटिफाइड हैं उनसे आप लोग ले लो. जनरल पब्लिक से पैसा रेस करना हम आपको अलाउड नहीं करते हैं. तो देखना तीन रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने क्या बोले हैं, तीन चीजें. सबसे पहली चीज, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स. आप लोग शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो प्राइवेट कंपनी में. प्राइवेट कंपनी कैसे पहचानोगे कि कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो सबसे पहला जो राइट है शेयर्स ट्रांसफर करने का वो रेस्ट्रिक्टेड रहने वाला है, मतलब आपको नहीं मिलेगा राइट ट्रांसफर करने का. दूसरा, वन पर ओपीसी को छोड़ के बाकी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200. प्लस आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, लोगों को बुला नहीं सकते हो कि मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, लोगों से पैसा रेस करना अलाउड नहीं. एक देखना नोट की चीजें यहाँ पे दी हुई है, व्हेन टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर. समझो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आप उनको दो मेंबर नहीं काउंट करोगे, एक ही मेंबर काउंट करोगे कि वो एक ही है क्योंकि वो लोग जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं. इसीलिए The following shall not be included in the number of members. मतलब जो आप number of members calculate कर रहे हो कि 200 होने चाहिए, उसमें ये लोग add नहीं किए जाएंगे. कौन कौन? Persons who are in employment of the company, जो मेरे employees हैं और मेरे shareholders हैं, तो उन लोगों को number of members में count मत कर. ऐसा. Persons who have been formally in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased. इसका मतलब क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दिया है लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब मेरे मेंबर्स थे और आज भी मेरे मेंबर्स बने हुए हैं, इन लोगों को आप कभी भी काउंट नहीं करो. इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो मीनिंग क्या. ठीक है, समझो मेरी कंपनी है उसमें 200 मेंबर्स हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, 200 मेंबर्स हैं. अब 200 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये 200 में कौन कौन काउंट नहीं होंगे. सबसे पहले तो हर वो इंसान काउंट नहीं होगा जो मेरे एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जो मेरे पास जॉब कर रहा है. मेरे सारे जो भी इम्प्लॉयज होंगे वो कभी भी काउंट नहीं होने वाले. लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे जो भी इम्प्लॉयज होंगे वो कभी भी नहीं होने वाले हैं काउंट. मेरे जो भी इम्प्लॉयज हैं वो कभी भी काउंट नहीं होंगे. दूसरी चीज, जो लोग पहले मेरे एम्प्लॉयज थे, मतलब पहले मेरे एम्प्लॉयज थे, आज मेरे एम्प्लॉयज नहीं है, पहले थे जब वो एम्प्लॉयज थे तब वो मेरे मेंबर्स भी थे लेकिन आज वो लोग मेरे एम्प्लॉयज नहीं है लेकिन मेंबर्स अभी भी हैं, ऐसे लोगों को भी आप लोग काउंट नहीं करोगे. इन दो लोगों को छोड़ के और जॉइंट शेयर होल्डर्स को एक काउंट करके आपने टोटल काउंट करना है. अगर ये 200 तक है तो हम मानेंगे कि कंडीशन कंप्लाई हो. एक और चीज, प्राइवेट कंपनी बनने के लिए आपको ये तीनों चीजें फुलफिल करनी है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इनमें से कोई एक मान लेता हूं और मैं प्राइवेट कंपनी बन जाऊंगा.
तीनों चीजें, तीनों के बीच में एंड लिख लो अगर आपको चाहिए तो। फर्स्ट लिखने के बाद में सेकंड वाले के पहले आप लोग ऐसा एंड डाल लो, जैसे मैं डाल रही हूँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एंड डाला है और यहाँ पे भी आप लोग एंड डाल लो। शिफ्ट माई सेल्फ, यहाँ पे आप लोग एंड डाल लो। तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ी, ठीक है। अब आप अगर ऐसा बोलो, मैम अगर कोई कंपनी इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी, क्योंकि देखो एक्ट ने कैसा डिफाइन किया है। कंपनीज एक्ट सेक्शन 271 डिफाइंस पब्लिक कंपनी एज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब जो भी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है? पब्लिक कंपनी। अच्छा एक चीज, हाँ ऐसे मत डिफाइन करने लग जाना जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। आसान तरीका हमारा वो, तुम बहुत होशियार हो, ये तरीके निकाल लोगे तुम लोग, लेकिन ये तरीका निकालना नहीं। एक्ट क्या करता है, कभी भी एक चीज को डिफाइन कर देता है, कोई भी एक चीज को डिफाइन करता है और दूसरी चीज को बोलता है हर वो चीज जो पहली नहीं है वो दूसरी। ऐसा दो तरह से डिफाइन कर देता है, हर वो चीज जो पहली नहीं है वो दूसरे कैटेगरी में आने वाली है। तो बस सेम वैसे ही प्राइवेट कंपनी को उसने डिफाइन किया, ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में ये तीन रेस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं, तो ये तीन रेस्ट्रिक्शंस जिसके आर्टिकल में है उसको माना जाएगा, और हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको हम लोग पब्लिक कंपनी मानने वाले। आगे देखते हैं, एक और चीज दिया हुआ है, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन इफ सब्सिडियरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। मतलब समझो क्या हो रहा है, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी पब्लिक कंपनी है, मैं आप ऐसे लिख देती हूँ पब्लिक, ओके दिस इज अ पब्लिक कंपनी, इसकी एक सब्सिडरी है। आई होप आप लोगों को होल्डिंग सब्सिडरी पता होगा, होल्डिंग सब्सिडरी ऐसा होता है, ये अगर होल्डिंग कंपनी है तो इसने सामने वाले कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट्स होल्ड करके रखना है, तो हम बोलते हैं ये होल्ड कर रही है और ये क्या है, ये सब्सिडरी कंपनी जिसमें होल्ड किया जा रहा है। वैसे होल्डिंग सब्सिडरी आगे डिटेल में आएगा तो आई विल टेल यू, तो यहाँ आपको इतना जरूरी नहीं है, लेकिन समझ लो वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये एक प्राइवेट कंपनी, पीवीटी लिख दिया मैंने, ये एक प्राइवेट कंपनी। अब अगर एक पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है भी, तब भी हम उसको पब्लिक मानने वाले हैं, इसको हम लोग क्या मानेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी मानने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या मानने वाले हैं, डीम्ड पब्लिक कंपनी। डीम्ड पब्लिक क्यों मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक पब्लिक की सब्सिडरी, पब्लिक कंपनी, इसको हम लोग डीम्ड पब्लिक कंपनी ट्रीट करेंगे, ये उन लोगों ने इस वाले पॉइंट में बोला, ठीक है। अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, सबसे पहला अपन ने देखा लायबिलिटी के बेसिस पे तीन क्लासिफिकेशन, फिर अपन ने देखा मेंबर्स के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन, वैसे तीन होता है, एक ओपीसी भी होता है जिसमें एक ही मेंबर रहने वाला है। आगे देखना, ये जो है होल्डिंग और सब्सिडरी का, ये हम लोगों को कल आने ही वाला है, होल्डिंग और सब्सिडरी क्या है, आई गेस ये हम लोग कल ही करेंगे, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी में मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है एंड अभी अपना लेक्चर का टाइम हो गया है। अपन एक काम करते हैं, आप लोग एक बार ये वाला देख लो, लिस्टेड और अनलिस्टेड, ये वाला एक क्राइटेरिया देख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, हमने दो कर लिए, तीसरा एक छोड़ा है, ये वाला चौथा है, बोथ ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, अगर हम लिस्टेड करवाते हैं तो वो लिस्टिंग मतलब क्या होता है, हर पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है ना, स्टॉक एक्सचेंजेस पे, आपने सुना भी होगा स्टॉक एक्सचेंजेस पे हम लोग अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकते हैं, मतलब मैं ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस पे अपने शेयर्स को डाल सकती हूँ। तो हर वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को डाल देती है ट्रेडिंग करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, और हर वो कंपनी जो नहीं डालती है उसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। देखना द पब्लिक लिमिटेड, खाली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अलाउड है, प्राइवेट तो लिस्ट हो ही नहीं सकती। Public limited companies are eligible for listing their shares on the stock exchanges on the basis of the public limited companies are classified as listed and unlisted. पहले listed देख लेना. As a company which any of its securities, जिसकी कोई भी securities जो हैं, are listed on any recognized stock exchange. कोई भी ऐसी company जिसके shares वगैरह कहीं भी किसी भी stock exchange पे listed है, उसको हम लोग listed company बोलते हैं. A company which has not listed its share on any stock exchange is called as a listed non-listed company. मतलब जिसके किसी भी इस पे listed नहीं है उसको हम लोग non-listed company कहते हैं।
क्लियर है। वैसे मैंने जब इंट्रो का सेक्शन लिया था, जब हमारे फिजिकल क्लासेस थे, तो मैंने आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, निफ्टी फिफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सब भी हम लोग कवर कर चुके हैं। खैर, आपका अगर उस समय नहीं भी हुआ होगा या उस समय मिस भी किया होगा, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आएगा ही, तो कहीं ना कहीं हम वो वाला कवर करने वाले। आज हमने क्या किया है, कॉर्पोरेट व्हील किस किस केसेस में लिस्ट लिफ्टिंग की जाती है वो देखा है, और उसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं कंपनीज के कि क्या अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देखा तीन तरीके से, फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स देखा दो तरीके के, उसमें ओपीसी भी एक ऐड कर लेना आप लोग, और फिर हमने देखा है लिस्टिंग के बेसिस पे लिस्टेड और अनलिस्टेड, दो तरीके से। इसके आगे का जो है, जो ये गवर्नमेंट वाला है, होल्डिंग सब्सिडी वगैरह है, वो हम लोग कल के लेक्चर में, मतलब इसके आगे के लेक्चर में, और जो अलग अलग तरह के कंपनीज आने वाले हैं वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आई विल शेयर ओवर योर ऑल्सो, ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट हो जाए। अगर आप लोगों को मुझे कॉन्टैक्ट करना है डायरेक्टली, तो यू कैन कॉन्टैक्ट, आई एम राइटिंग अप माई फोन नंबर ओवर हियर, इट्स 9046595956. This is my contact number, 9049065956. राजश्री जैन मेरा नाम है, 9049065956। इसके अलावा मैं आप लोगों को मेरा ये भी बता देती हूँ, ईमेल आईडी ऑल्सो आई विल राइट ओवर यू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग बाद में इसमें से ले सकते हो, jain.rajshree7@gmail.com। दिस इज माई ईमेल आईडी, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहे हैं जो क्लैरिफाई नहीं हो रहे हैं, तो या तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे टेलीफोन पे पूछ सकते हो, मैंने अपना नंबर यहाँ पे शेयर किया है। इसके अलावा आप लोग सर से कॉन्टैक्ट में हो गए, सुप्रीम कॉमर्स क्लासेस के कॉन्टैक्ट में हो गए, तो उन लोगों से भी आप लोग डाउट्स वगैरह डाल सकते हो जो मेरे तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। आप लोग ये दो लेक्चर पहले कंप्लीट किए बाद ही मेरे कल का नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, जिसमें हम लोग और ज्यादा आगे जाने वाले हैं। ठीक है, चलो, आई होप आप लोगों को सबको सब चीजें समझ में आई होंगी, और इसके बाद फिर हम लोग कल अपना लेक्चर यहीं से ही कंटिन्यू करने वाले। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।